सिखाते थे और बच्चे उत्तरायणी के दिन यहाँ पे परफॉर्म करते थे, उन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज भी मिलते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ भी नहीं हो रहा, घास उग गई जहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी वहाँ। कोई बात नहीं, देखो फिर से हो। काशीपुर शहर के शोरगुल से दूर यह मंदिर एकदम एकांत और शांत वातावरण को अपने आप में समेटे हुए है। इतना पता था कि यहाँ पे कुआं है, पता था, देखा नहीं था, पर ये गुड्डू ने हमें बताया कि यहाँ पे कुआं है। तो भाई इसका तो प्राइज मिलना चाहिए। दोस्तों चामुंडा मंदिर काशीपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है और यह मंदिर नेशनल हाईवे 309 से बहुत ही पास है और आप आसानी से इस मंदिर में पहुँच सकते हैं। और यह मंदिर दुर्गा माता के शक्ति रूप को समर्पित है और प्रत्येक दिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। चामुंडा मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पाकड़ का पेड़ है और जिसको कि संस्कृत में प्लक्ष का वृक्ष कहा जाता है और आप इसकी शाखाएं देख सकते हैं दूर दूर तक फैली हुई हैं और काफ़ी मोटी शाखाएं हैं इसकी और ऑक्सीजन यह जो पेड़ है ये भरपूर मात्रा में हमें निरंतर देता रहता है। चामुंडा मंदिर के बगल में ही एक शिवालय भी है और शिवालय में भी दर्शनार्थी और भक्तगण निरंतर आते हैं। और मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि काशीपुर शहर के शोरगुल से दूर यह मंदिर एकदम एकांत और शांत वातावरण को अपने आप में समेटे हुए है, तो इसलिए लोग सुबह के टाइम में और शाम के समय में यहां पर आते हैं और कुछ देर बैठते हैं और मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। तो हम दोनों भी इस समय शाम का टाइम है तो हम भी यहाँ पर भ्रमण के लिए आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चामुंडा मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और नीचे अच्छी टाइल्स लगी हैं। इतनी सारी मालाएं क्यों रखी हैं? मैं बोल रही हूँ आज कुछ है टेंपल में, देखो वहाँ पे भी पूरी सजावट है ना, इधर भी तो लगा रहे थे। अभी सजावट तो रोज करते हैं मंदिर में, रेगुलर करते हैं, पर जब फूलों से पूरा मंदिर सजाते हैं ना तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। और उधर सामने वट वृक्ष की भी पूजा कर रखी है। हाँ तो आज तो वट सावित्री है ना, इसी वजह से। हाँ हाँ, पर ये मालाएं इतनी सारी है ना, कुछ है करते हैं चढ़ाने के लिए होंगे ना मंदिर में। हमारे देवस्थानों में बड़े बड़े वृक्ष अवश्य होते हैं और ये हमारे प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने जीवन में और आज हम भी उस प्रकृति का गुणगान कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वट वृक्ष है और इस पर रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कुआं भी है और हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उसमें, हमें नहीं पता कि है कि नहीं है, लेकिन है, है। जो हमारे साथ के और कैंडिडेट हैं वो जा रखे हैं वहाँ। शिवे है क्या कुआं सच में? कितना गहरा है? अरे बहुत गहरा है भाई, है तो बहुत गहरा। काशीपुर में रहते हुए ये कुआं मैं पहली बार देख रहा हूँ। लाइट चलाओ। माशी कह रही है स्टेज पे डांस किया है। ये शिवी है, ये वंदना है और ये है गुड्डू, जो जो दिल्ली में रहता है और अभी आया है। इसने हमें, मतलब हमें नहीं इतना पता था कि यहाँ पे कुआं है, पता था, देखा नहीं था, पर ये गुड्डू ने हमें बताया कि यहाँ पे कुआं है। तो भाई इसका तो प्राइज मिलना चाहिए। लो भाई खाइए।
नहीं चाहिए मुझे। तो कैसा लग रहा है यहाँ काशीपुर में आके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इस तरह के मंदिर दिल्ली में भी हैं, काफी हैं। हाँ। है ना, तो दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है आप ये बताओ, कुछ अंतर है? कंपेयर में थोड़ा कम है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ इसलिए कम है क्योंकि अभी हम इन हरे भरे पेड़ों के नीचे है ना, तो इस वजह से हमें यहाँ ठंडा ठंडा फील हो रहा है। और हम उत्तराखंड में इसलिए भी। अच्छा। तो अन्य देवस्थानों की तरह ही चामुंडा मंदिर में शनिदेव जी का भी मंदिर है। चलिए मैं आपको शनिदेव जी के भी दर्शन करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सांध्यकालीन पूजा में लोग यहाँ पर आ रखे हैं और देवार्चन यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, जब उत्तरायण का मेला होता है तो यहाँ पर एक फंक्शन किया जाता है बहुत बड़ा, लेकिन कोविड की वजह से कुछ सालों से नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंच बना रखा है ये ईंटों के द्वारा और सीमेंट के द्वारा, और यहाँ पर बच्चे और जो भी परफॉर्मेंस करने वाले लोग रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और इधर बना रखा है मुझे दर्शकों के लिए पूरा। तो ये जो स्टेज है ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्टेज बन जाता है क्योंकि इस स्टेज की यादें वंदना से जुड़ी हुई है। वंदना? हाँ। कैसे? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस करवा रखे हैं। जब मैं ब्लूमिंग में थी तो यहाँ पे डांस वगैरह सिखाते थे और बच्चे उत्तरायणी के दिन यहाँ पे परफॉर्म करते थे, उन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज भी मिलते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन कोविड की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। घास उग गई जहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी वहाँ। कोई बात नहीं, देखो फिर से होगी यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत जल्द। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। ये देखिए मंदिर को पुष्प गुच्छों के द्वारा यहाँ पर सजाया जा रहा है। तो अब हम पुजारी जी के पास चलते हैं और टीका लगवाते हैं और फिर उसके बाद करेंगे घर के लिए प्रस्थान। पंडित जी राम राम। लो बनो ये रस्ते। प्रसाद प्रसन्नात्मा भवा, प्रसन्नात्मा। तो दोस्तों, कल चामुंडा मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, यानी कि 31 मई सन 2022 को। तो आप सभी लोग भी इस भंडारे में सादर आमंत्रित हैं, आइएगा। मैं भी आमंत्रित हूँ। बजरंग बली जी का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। माँ चामुंडा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर सदैव बना रहे। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।